झगड़ुआ जो बिहार के दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि से बात करने पर सात निश्चय योजना की प्रगति के बारे में अखंड भारत की टीम ने जानने की कोशिश की। यहाँ के ग्राम प्रधान आदिल जी जो युवा भी हैं और सात निश्चय योजना को काफी नियमानुसार चलाते हैं, जैसे नल जल नली गली झगड़ुआ जो कमला बलान और कोसी तटबंध के बीच स्थित है। यह गाँव 4 से 6 महीने पूर्णता बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। आज भी यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सरकार से यातायात की सुविधा की निकासी की मांग करता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज, मैं विनय कुमार। अभी हम मौजूद हैं झगड़ुआ पंचायत जो कि कोसी तटबंध और बलान तटबंध के बीच में स्थित है। यह गांव साल में 4 से 6 महीने पूर्णतः बारिश के पानी से घिरा हुआ रहता है। इस गांव में आज हम सात निश्चय का पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, यहां के ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहां के वार्ड मेंबर भी मौजूद हैं और यहां पंचायत समिति भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सात निश्चय योजना कहां तक प्रगति पे है और आगे सरकार से क्या उम्मीद है, चूंकि यह पंचायत पूर्णतः बाढ़ का पानी से घिरा हुआ है और यह पंचायत में कैसे विकास की रफ्तार यह पंचायत पकड़ेगी, आशा करेंगे और जाएंगे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से और फिर आपको बताएंगे कि यह पंचायत कैसे आगे की ओर बढ़ेगा। सबसे पहले सर, यहाँ हमारे ग्राम प्रधान मौजूद हैं, उन आपका स्वागत है अखंड भारत में। सर, नल जल योजना जो कि सबसे प्रभावकारी योजनाओं में से एक है, आपका पंचायत पूर्णतः बाढ़ों से गिरा हुआ पंचायत है, कैसे सात निश्चय योजना को आप लोग धरातल पर लाते हैं? नमस्कार, मैं मोहम्मद आदिल, ग्राम पंचायत झगड़ुआ मुखिया हूँ। मैं मोहम्मद आदिल मुखिया ग्राम पंचायत झगड़ुआ। सात निश्चय योजना थोड़ा बाद में आने से दिक्कत हो गया था और फिलहाल अभी हम लोग बहुत अच्छा से काम करवा रहे हैं। जो भी कमी है 31 दिसंबर तक काम हो जाएगा पूरा। और इसमें जहाँ तक नया योजना है, वो नया योजना बहुत अच्छा से चालू हो गया है। पुराना में कुछ कमी था, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छा अभी हो रहा है। इस सरकार का बहुत अच्छा मुद्दा था हर घर नल जल योजना का। मुखिया जी, आप एक चीज बताइए, ये आपका पंचायत पूर्णतः बाढ़ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ रहता है, कैसे आप लोग नल जल योजना की सुविधा है ना यहाँ यातायात की सुविधा है, फिर भी यह योजना आपके पंचायत तक पहुंची है? हम सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देंगे कि आप लोग चला रहे हैं इस योजना को, इसके लिए धन्यवाद है। आगे क्या उम्मीद है, क्या सरकार से सात निश्चय टू में आप लोग उम्मीद करते हैं? हम लोग सात निश्चय टू में आप यही उम्मीद रखते हैं कि जितना भी पैप प्लास्टिक का है, जैसे नगर निगम में जो है लोहा का पैप डाला गया, उस तरह से कर दिया जाए तो बहुत अच्छा सही रहेगा और अच्छा से अच्छा चलेगा। यहाँ स्वच्छ पानी और जो भी कमी है वातावरण का सब सही हो जाएगा। रोड सड़क का कमी है, गाड़ी डबल लाइन पास होता है तो उसमें भी दिक्कत होता है, जिसके कारण पैप फट जाता है। इसके लिए उसमें लोहा का पैप किया जाए तो पानी अच्छा से अच्छा चालू रहेगा। आप युवा मुखिया हैं, तेज तरार मुखिया हैं आप अपने पंचायत में। आप सर, यहाँ जो पानी की समस्या है, पानी जल जमाव की जो समस्या है, यह एक विकट समस्या है, जहाँ 6 महीने आप लोग पीछे हो जाते हैं, इसके लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री हरियाली योजना जो है, जिसमें डैम खोदने का कहा गया है, वो सब लागू होगा सात निश्चय टू में, तो उसका काम अच्छा से अच्छा होगा। धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे साथ यहाँ ग्राम प्रधान की समिति भी मौजूद है, जो कि यहाँ मेडिकल इनका स्टोर है, शॉप है, और ये यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, यहाँ जनता की सेवा भी करते हैं, ना फीस लेते हैं और दवा में भी कॉन्सेशन करते हैं। इनसे भी जानेंगे कि यहाँ मुख्य जो मुद्दा है जल जमाव का, वो कैसे दूर होगा। देखिए, जहाँ तक जल जमाव का मुद्दा है तो हम लोगों को आता है गेहुआ नदी, कमला, कोसी और बीच से हम लोग का गेहुआ नदी निकलता है। गेहुआ नदी को कोसी या कमला बलान में जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक यहाँ जल जमाव की स्थिति रहेगी। और हम लोग के पानी का निकासी का जहाँ तक बात है कि बलान और कोसी को जो है सो एक कर दिया गया है, आगे चल कर जहाँ बलान खत्म हुआ है और कोसी वहाँ एक कर दिया गया है, वहाँ 2 स्लुइस गेट 3 स्लुइस गेट बना हुआ है, जिससे मछली मारने वाले उसको बंद किए रहते हैं, प्लास्टिक से बंद किए रहते हैं, इसलिए हम लोगों को जल जमाव ज्यादा दिन तो रहता है। गेहूं का खेती हम लोग को बहुत लेट से उखड़ता है,
धान में पानी ज्यादा लग जाता है जिससे हम लोग का धान उपज नहीं होता है। सात निश्चय योजना आपके पंचायत में चल रही है जी, जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए सात निश्चय योजना नीतीश कुमार का फेक योजना है, हम तो इसको फेक योजना कहते हैं। पानी हम लोग भी नल लगाए हुए हैं, टंकी लगाए हुए हैं, टंकी से पानी जो है टंकी में गंदगी रहता है, बहुत सा बात रहता है। यहाँ जो सात निश्चय योजना चल रहा है, टंकी है, सब कुछ बन रहा है, काम तेजी में चलता है। प्लास्टिक का पाइप है फट गया, इधर उधर लीकेज उधर लीकेज, और ये हमको नहीं लगता ये सक्सेस योजना है। हाँ इतना में सरकार ये चाहती कि पानी का प्लांट अगर लगा देती हर वार्ड में तो प्लांट से ₹5 भेंडर को लेता और डेली पानी स्वच्छ पानी देता, जो बर्तन साफ भी मिलता। यहाँ पानी टंकी में गंदगी रहता है, क्या रहता है, उसको देखभाल करने के लिए कुछ कोई नहीं है। यहाँ सरकार नाला बना रही है, नाला का नाला में गंदगी को साफ कर, शहर में नगर निगम में सफाई कर्मचारी है जो नाले को साफ करती है, लेकिन यहाँ तो कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। अनुरक्षक भी बहाल हुए हैं और ₹2,000 महीना मेंटेनेंस का भी घोषणा किया है सरकार। भाई ₹2,000 में बताइए कौन आदमी नौकरी करेगा? नौकरी नहीं, ₹2,000 टंकी का मेंटेनेंस का सरकार घोषणा किया, ₹1,000 पर अनुरक्षक बहाल किया गया। हम तो नहीं देखते हैं कि अभी अनुरक्षक कहीं काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम तो नहीं देखते हैं। नया आए व्यक्ति है हमारे साथ, वार्ड सदस्य है कि वार्ड के, जो कि पूर्णता आप लोग जानते होंगे कि मुखिया का अधिकार दायित्व जो है काटकर वार्ड सदस्य को दे दिया गया, लेकिन ये वृद्ध है, इनसे भी जानेंगे, लेकिन इनका सारा कारोबार सचिव साहब जानेंगे। सचिव साहब से हम बात करेंगे कितने नंबर के ये सचिव हैं और नल जल योजना का क्या स्थिति है, क्या नाम है? मैं मनोज कुमार यादव बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 का वार्ड सचिव हूँ। मेरे साथ निश्चय का जो भी योजना है हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, और जो योजना नीतीश कुमार जी निकाले हैं मुख्यमंत्री, उस योजना को काम अच्छे तरह से करते हैं। जो भी बाकी है काम हम लोग 31 दिसंबर तक पूरा करेंगे और सारे काम अच्छे से करेंगे। सचिव साहब एक चीज आप बताइए, सात निश्चय योजना चल रही है, आपका गांव आपका पंचायत पूर्णतः पानी से घिरा हुआ पंचायत है, ये लोग भी जानते हैं, फिर भी सात निश्चय योजना को सफल करना है, आगे क्या सरकार से उम्मीद है? हम आगे सरकार से यही उम्मीद करेंगे और हमारे क्षेत्र के जो विधायिका है स्वर्णा सिंह, उनसे भी अनुरोध करेंगे इस आपके माध्यम से। यहाँ मेन मुद्दा है जल जमाव का, जल जमाव के कारण बहुत ऐसा काम है वह बाधित रहता है 6 महीना, तो हम यही कहेंगे हमारे विधायिका जी से, हमारे क्षेत्र में ये जल जमाव का जो कारण है उसको दूर करें और हम सब उनके साथ हैं और सात निश्चय का काम अच्छा। आपको बता दें कि यहाँ सात निश्चय योजना अंतिम चरण पे है, प्रगति पे है, समस्या एक ही है जल जमाव की, और ये लोग अपील बार बार कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो या समिति हो, कि यहाँ जल जमाव की मुख्य समस्या है, इस समस्या से इस पंचायत को सबसे पहले निपटारा होना चाहिए, उसके बाद ही कोई योजना यहाँ पे धरातल पर नजर आएगी। और आगे एक लाइन हम यहाँ डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आगे क्या कहना है? आगे हम यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को जल जमाव की समस्या है, यातायात की समस्या है, हम लोगों को कोसी से कमला जोर दिया जाए। माननीय विधायिका जी से अनुरोध करता हूँ कि मात्र 300 फीट मेरे पंचायत में ऐसा जगह है जहाँ से पानी गुजरती है, उसको बांध दिया जाए कि हम लोग का कमला से कोसी यातायात कम से कम हम लोग का चल जाए। किरतपुर हॉस्पिटल आज परसौती के लिए, किरतपुर हॉस्पिटल जाने के लिए हमको 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर हम लोग का किरतपुर है, लेकिन 1.5 किलोमीटर छोड़कर के हम लोग को 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। 300 फीट अगर जुड़ जाता है तो हम लोग को किरतपुर 1.5 किलोमीटर पर। समस्याएं बहुत है, निदान होना चाहिए, सरकार की नजर में हर चीज को देखना चाहिए, और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये पंचायत वासी का जो देखे इनका समस्या सुने और समस्याओं का निदान करें। कैमरामैन जनीस आलम के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट। अखंड भारत न्यूज के लिए कैमरामैन जनीस आलम के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट, दरभंगा।